हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया क्यों। हमारे पास फर्स्ट लॉ था जब थर्मोडायनेमिक्स का, तो वो सफिशियंट था, राइट? तो यहाँ पे सेकेंड लॉ की जरूरत क्या पड़ी, पहले वो देख लेते हैं कि क्या है लिमिटेशंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बेसिकली इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है हमें? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है कि एनर्जी जो है यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगी। चेंज इन एनर्जी यूनिवर्स में जो है दैट विल बी जीरो, ठीक है? यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म। ये हमें कौन बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, ठीक है? यानी कि इसने बोल दिया कि भाई एनर्जी जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी। उस केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है? ये किसने बताया? थर्मोडायनेमिक्स ने। लेकिन बच्चों, ये जो रिएक्शन होगी, ये जो रिएक्शन होने वाली है या फिर कोई भी प्रोसेस जो है जो होने वाली है वो किस तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या फिर हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ हीट किस डायरेक्शन में होगी। यानी कि जो भी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे बोल दिया गया कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी होगी दैट विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है? ना उस रिएक्शन में एनर्जी क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी, दैट विल बी कॉन्स्टेंट। लेकिन वो केमिकल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, यानी कि उसका फ्लो ऑफ हीट कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये कुछ नहीं बताया गया। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इसको एक्सप्लेन किया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, ठीक है? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो आज के सेशन में हम इसी सेकेंड लॉ को थोड़ा पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्शन जो है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होगी। नेचुरल प्रोसेसेस जो भी है वो सारी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। बट स्पॉन्टेनियस का अगर हम मतलब देखें तो ऐसी रिएक्शन जिसको हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टैंक है जिसमें एक टैंक में पानी ज्यादा है, एक टैंक में पानी ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे जो इन दोनों टैंक को सेपरेट करके एक शीट रखी थी या फिर कोई कॉर्क यहाँ पे हमने लगाया हुआ था, हमने क्या किया, सिंपली उस कॉर्क को रिमूव कर दिया। जिसकी वजह से क्या होगा, अभी ये जो पानी है ये टैंक ए से टैंक बी की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। इससे भी सिंपल अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो यहाँ पे क्या है, सपोज ये कोई स्लैंटेड हाइट है, यहाँ पे हमने बॉल रखी, तो हल्का सा मैंने क्या किया, इसको हल्का सा एक थोड़ा सा पुश दे दिया। पुश देने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये जो बॉल है ये रोल डाउन करेगी डाउनवर्ड। ऐसी प्रोसेस जो है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है? ये अपने आप हो जाएगी। लेकिन वही अगर इस बॉल को, जैसे ये बॉल यहाँ पे पहुंचती है, इसको अभी हमें क्या करना है, हमें इसको वापस ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस एनर्जी का सप्लाई जरूरी है। यहाँ पे कंटिन्यूसली मुझे क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये बॉल अपने आप ऊपर नहीं जाएगी। तो ये जो डाउन हील था बॉल का दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड अप हील जो जाएगी ये बॉल दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके बारे में डेफिनेशन भी देखने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, जो है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो ऐसी प्रोसेस जिसके पास टेंडेंसी है होने की, यानी कि अकर होने की, अर्ज होने की, ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो जाएगी, ठीक है? इसके लिए क्या जरूरी है कि यहाँ पे सिर्फ हमें थोड़ा सा प्रॉपर इनिशिएशन देना होगा, यानी कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा इनिशिएशन देना होगा, और कंडीशंस, कुछ कंडीशंस भी इसके लिए जरूरी है। तो ऐसी प्रोसेस विच हैव द टेंडेंसी टू अकर बाय इटसेल्फ, ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो जाएगी अगर उसको हमने प्रॉपर इनिशिएशन दिया और प्रॉपर कंडीशंस दी। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है, हीट हमेशा जो है, हीट फ्लो कहाँ पे होता है, हीट फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ पे होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या होगा, हमारा हीट ट्रांसफर होगा। हीट का जो फ्लो है वो हमेशा कहाँ पे होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पे होगा। वैसे ही एयर जो है, एयर क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है? जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो सपोज ये एक टायर है, टायर में क्या है, टायर में एयर प्रेजेंट है। जैसे ये टायर पंचर होगा
टायर में कोई छोटा सा छेद हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो भी एयर प्रेजेंट थी वो क्या हो जाएगी, वो लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हीट फ्लो का भी देखें तो हीट फ्लो जो है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, एंड प्रेशर जो है एयर जो है वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो स्पॉन्टेनियस ऐसी प्रोसेस होती है जिसके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसके पास टेंडेंसी है कि वो अपने आप हो जाए अगर उसे प्रॉपर इनिशिएशन दिया जाए एंड प्रॉपर कंडीशन दी जाए। ठीक है, तो एक और अगर हम सिंपल से एग्जांपल कंसिडर करें तो यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास सपोज कि बहुत सारे आइस क्यूब है। ठीक है, आइस क्यूब है, बर्फ है, तो बर्फ क्या करेगा, बर्फ क्या करेगा, पिघल जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बर्फ को हमने क्या किया, -20 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो इस कंडीशन में, यहाँ पे इस कंडीशन में ये बर्फ पिघलेगा नहीं, ये बर्फ की ही फॉर्म में रहेगा, आइस की ही फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे ये आइस मेल्ट नहीं करेगा। तो हमें कंडीशन जो है वो भी प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ेगी, तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन काम करेगी। ठीक है, सेकेंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर हम समझे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटली इसका अपोजिट है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी जो प्रोसेस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है, दिस प्रोसेस हैव नो टेंडेंसी टू अकर बाई इट सेल्फ, नो टेंडेंसी कि वो अपने आप ही हो जाए, नो टेंडेंसी टू अकर बाय इट सेल्फ, यानी कि अपने आप नहीं होगी ऐसे रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को पुश देना पड़ेगा, कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये रिएक्शन कंटिन्यूसली काम करेगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था बॉल का, बॉल को अगर हमें यहाँ इस हाइट तक पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उसको पुश करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये इस अपहिल पर जा सकती है बॉल। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसके पास टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपने आप काम करे। ठीक है, अगर हमने इसको इनिशिएशन भी दिया तो भी ये प्रोसेस काम नहीं करेगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी हमें ऐसी प्रोसेस को अगर हमें कैरी आउट करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया होगा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। जैसे वाटर टैंक का एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल कंसिडर करें वाटर टैंक का, तो पानी जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टैप लगा दिया हमने सपोज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टैप है। तो टैप हमेशा आपने देखा होगा, टैप हमेशा टैंक के एकदम बॉटम में होता है। ठीक है, रीजन क्या है उसका, क्योंकि पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, सो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन वही अगर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हमने क्या किया, टैप हमने यहाँ पे लगा दिया, और टैप हमने यहाँ पे लगा दिया और पानी यहाँ तक ही है। ठीक है, पानी यहाँ तक ही है, पानी यहाँ तक ही है, तो क्या ये पानी इस टैप में से आएगा, नहीं। अगर हमें इस टैप में से पानी को लेना है, पानी को निकालना है, तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, राइट। तो ऐसी टाइप के प्रोसेसेस को बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अभी हमें कुछ क्राइटेरियाज की जरूरत है कि जिससे हम बता सके कि भाई ये वाली जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है एंड ये वाली जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे तीन क्राइटेरिया, तीन तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो पहला है एंथैल्पी, पहला है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा एच से। सेकेंड जो है यहाँ पे, सेकेंड इज एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, बताने वाली हूँ उसके बारे में भी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। एंड द थर्ड वन इज जिब्स फ्री एनर्जी, थर्ड वन क्या है हमारे पास, जिब्स फ्री एनर्जी। तो जिब्स फ्री एनर्जी को जो हम, जिब्स फ्री एनर्जी के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज डेल्टा जी। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं, तीन क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चलता है कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं बच्चों, एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा एग्जैक्टली हमें बताएगा, कौन सा क्राइटेरिया हमें एग्जैक्टली बताएगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, तो पहले एंथैल्पी की अगर हम बात करें, पहले एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी डिक्रीज होगी, सिस्टम की एनर्जी अगर डिक्रीज होगी, दैट मीन्स कि वो जो प्रोसेस होगी दैट विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो प्रोसेस होगी दैट विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कब होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज कौन सी प्रोसेस में होता है, सो एक्सो
थर्मिक प्रोसेस में होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होता है। चेंज इन एंथैल्पी, अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव हो रही है, तो ऐसी टाइप की, यहाँ पे ऐसा माना गया बच्चों कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कैसे होगी, जब एनर्जी सिस्टम से बाहर जाएगी, रिलीज होगी। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव, और प्रोसेस कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी एंड एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस विथ एक्सोथर्मिक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल दें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास कार्बन। ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, दैट इज CO2। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन की एंथैल्पी देखें, सो दैट इज -400 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक भी है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है। लेकिन वही एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें वाटर का, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट मीन्स कौन सा प्रोसेस है, कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमने पढ़ा है एक्सो और एंडोथर्मिक के बारे में, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। तो जब वाटर से वाटर वेपर की फॉर्मेशन हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि यहाँ पे एंथैल्पी चेंज विल बी पॉजिटिव, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर एंथैल्पी नेगेटिव है तो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, एंथैल्पी पॉजिटिव है, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो क्या हम सिर्फ एंथैल्पी को यूज करके कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी इसके बारे में बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमने देखा कि जब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, तब भी रिएक्शन कैसी है, तब भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एंड एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव है, तब भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पे एंथैल्पी वाला जो क्राइटेरिया था हमारा, वो तो हम नहीं कंसिडर कर सकते। तो सेकेंड क्राइटेरिया आता है अभी यहाँ पे एंट्रोपी का। तो यहाँ पे सेकेंड क्राइटेरिया जो आता है हमारा, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है पता करने का, दैट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को समझने के लिए हम बेसिक से एग्जांपल देखते हैं पहले, कि ये एक बहुत सुंदर सा रूम है जो कि मम्मी ने क्लीन कर दिया है, या फिर क्लीन करके रखा है हम ही ने, पनिशमेंट मिली थी हमें। तो यहाँ पे ये रूम क्या है, बहुत क्लीन है। लेकिन थोड़ी देर बाद या फिर 1-2 घंटे बाद ही अगर हम इसी रूम को वापस से देखेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीजें जो है एक ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सामान ऐसा पूरा फैला पड़ा है, सो दैट इज अ डिसऑर्डर। तो यहाँ पे चीजें कैसी है, डिसऑर्डर्ड है। तो यहाँ पे चीजें कैसी है, फैली पड़ी है, डिसऑर्डर में है। यहाँ पे कैसे, एक सीक्वेंस में है, एक प्रॉपरली जहाँ पे उसको होना चाहिए था वहीं पे है। ठीक है, तो एंट्रोपी को अगर हम समझे, सिंपली अगर हम एंट्रोपी को समझे, सो एंट्रोपी हमें बताती है चीजों के रेंडमनेस के बारे में, या फिर डिसऑर्डरनेस के बारे में। ठीक है, तो एंट्रोपी को अगर हम डिफाइन करें, सो एंट्रोपी इज, या तो हम इसको रेंडमनेस के कंटेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं, या तो एनर्जी के कंटेक्स्ट में भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो एनर्जी की अगर हम बात करें, तो मेजर ऑफ एनर्जी, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की कितनी एनर्जी है, दैट इज नोन एज एंट्रोपी। लेकिन इसको सिंपली अगर हमें समझना है, सो दैट इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस, और डिसऑर्डरनेस, यानी कि चीजें कितनी डिसऑर्डर्ड है, इसके बेसिस पे भी हम इसको पढ़ सकते हैं, या फिर चीजें कितनी रेंडमली या फिर कितनी ऑर्डरली अरेंज है, इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। इसके बारे में भी हमें कौन बताता है, एंट्रोपी बताता है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। तो जैसे मैं अगर आपको दे एग्जाम्पल दूं, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये एक कुछ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स है जो कुछ ऐसे अरेंज है, एंड कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ ऐसे अरेंज है। तो यहाँ पे इनको क्या बोला जाएगा, इनकी जो एंट्रोपी है, दैट इज लो एंट्रोपी। लो एंट्रोपी है मतलब बच्चों कि ये लो
डिसऑर्डर है, इनमें लो डिसऑर्डरनेस है, यानी कि ये एक थोड़े से ऑर्डर में प्लेस है, इनका डिसऑर्डरनेस जो है वो कम है। लेकिन वहीं पे अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, ये इनके इसके एंट्रोपी क्या है, इट हैव हाई एंट्रोपी। हाई एंट्रोपी मतलब यहाँ पे डिसऑर्डरनेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि कैसे भी अरेंज है मॉलिक्यूल, एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, मेजर ऑफ रेंडमनेस को ही क्या बोला जाता है, एंट्रोपी कहा जाता है। इन क्राइटेरिया देखें हमारा, दैट वाज एंट्रोपी। एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो चेंज इन एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। तो सिस्टम जो है, हमेशा सिस्टम जो है, सिस्टम विल प्रोसीड फ्रॉम कहाँ से कहाँ प्रोसीड करेगा, सो ऑर्डर्ड स्टेट से, ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट पे। ऑर्डर स्टेट से कहाँ जाएगा, कहाँ की तरफ प्रोसीड करेगा, डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ प्रोसीड करेगा। यानी कि एंट्रोपी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंट्रोपी कैसी है, लो एंट्रोपी है, एंड यहाँ पे हाई एंट्रोपी है। ठीक है, हाई एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डरनेस। तो सिस्टम में हमेशा मॉलिक्यूल जो है, पार्टिकल जो है, वो ऑर्डर स्टेट से कहाँ पे प्रोसीड करेंगे, डिसऑर्डर स्टेट की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, यानी कि ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट पे जा रहे हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी जो है अगर पॉजिटिव है, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और ऐसी रिएक्शन जो है, जो ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट पे जा रही है, ऐसी रिएक्शन जो है बच्चों, वो रिएक्शन होती है हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। वहीं अगर चेंज इन एंट्रोपी अगर नेगेटिव है, तो दैट मीन्स कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और ऐसी जो रिएक्शन होगी, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसी रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसी जो प्रोसेस होगी, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि एनर्जी रिलीज होगी, और रिएक्शन जो होगी, दैट विल बी एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। चेंज इन एंट्रोपी यानी कि जो भी सिस्टम है, वो ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सिंपल से एग्जांपल, क्लास में बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे शांत बैठे हैं, जैसे टीचर क्लास से बाहर जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, डिसऑर्डर स्टेट में चले जाएंगे। तो हमेशा सिस्टम में, हमेशा यूनिवर्स में क्या होगा, एंट्रोपी विल इंक्रीज, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। तो एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है, यानी कि सिस्टम में ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट की तरफ मूव हो रहा है, दैट मीन्स वो प्रोसेस जो है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर डिसऑर्डर से ऑर्डर स्टेट में जा रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव है, तो दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो अभी हमने बात कर ली स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कैसे पता लगाया जाए, यूजिंग यूजिंग एंथैल्पी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों, कैसे होती है बताती हूँ मैं आपको। तो एंट्रोपी का कुछ और कहना है, एंथैल्पी का कुछ और कहना है। तो यहाँ पे अगर एंट्रोपी एंड एंथैल्पी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो एंथैल्पी ने क्या कहा कि अगर वहां पे चेंज इन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है, चेंज इन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है, तो रिएक्शन जो होगी, दैट विल बी एंडो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दैट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड जो प्रोसेस होगी, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। सेकेंड यहाँ पे बोला गया कि सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स कि चेंज इन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। तो अगर चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो वो प्रोसेस क्या होगी, इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड रिएक्शन जो होगी, दैट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये एंथैल्पी का कहना था। वहीं एंट्रोपी की अगर बात करें, तो एंट्रोपी का क्या कहना था, एंट्रोपी के अकॉर्डिंग क्या हमने पता लगाया कि अगर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, यानी कि सिस्टम क्या करेगा, ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट की तरफ मूव करेगा, तो वहां पे रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स एंट्रोपी इज, एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव। तो एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव है, तो वहां पे क्या है, वहां पे क्या होगा, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। सो दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और कोई भी सिस्टम क्या करेगा, ऑर्डर स्टेट से
डिसऑर्डर स्टेट की तरफ मूव करेगा। दैट मींस कि वो प्रोसेस कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। सेकेंड वहीं पे अगर हम बात करें चेंज इन एंट्रोपी अगर नेगेटिव है, यानी कि सिस्टम क्या कर रहा है, डिसऑर्डर स्टेट से ऑर्डर स्टेट में आ रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को या फिर ऐसे प्रोसेस को प्रोसीड करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो वो जो रिएक्शन होगी दैट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड जो प्रोसेस होगी दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर क्या होगा इफ, क्या होगा अगर चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है एंड चेंज इन एंट्रोपी भी पॉजिटिव है। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है यानी कि ये वाला, एंड चेंज इन एंट्रोपी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एंडो था, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस था, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है। वहीं क्या होगा अगर चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है एंड चेंज इन एंट्रोपी भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे एंथैल्पी एंड एंट्रोपी से पता नहीं लगा सकते कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसके लिए यहाँ पे एंट्री होती है हमारी, इसकी इसकी इसी वजह से यहाँ पे एंट्री होती है हमारी किसकी भाई, जिप्स फ्री एनर्जी की। तो एक्चुअल में ये जिप्स फ्री एनर्जी हमें बताएगी बताएगा ये जिप्स फ्री एनर्जी से हमें पता चलेगा कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो चेंज इन जिप्स एनर्जी विल बी चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर एंड चेंज इन एंट्रोपी। सो ये फॉर्मूला है जिससे हमें पता चलेगा कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अगर चेंज इन जिप्स एनर्जी पॉजिटिव है, चेंज इन जिप्स एनर्जी पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, एंड चेंज इन जिप्स एनर्जी अगर नेगेटिव है तो दैट मीन्स इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वहीं अगर चेंज इन जिप्स एनर्जी जीरो है तो रिएक्शन जो है दैट विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो जिप्स फ्री एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा और जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपको अलग अलग स्टेटमेंट दिखने को मिल सकती है, लेकिन बच्चों जो सेकेंड लॉ है वो एक एक टाइप से जो भी फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी हमारी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो भी लिमिटेशन थी यानी कि कमियां थी, उसको कहीं ना कहीं सेकेंड लॉ ने पूरा किया है। तो सारी जो भी लिमिटेशन है वो फर्स्ट लॉ के कंटेक्स्ट में ही है, और डेफिनेशन जो मिलेगी आपको वो भी फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन पे बेस्ड ही होगी, मीनिंग सभी का ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो उन्हीं डेफिनेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं। तो पहली डेफिनेशन है, केमिकल रिएक्शन अकर इन द डायरेक्शन दैट लीड्स टू इंक्रीज इन डिसऑर्डर। तो हमेशा जो भी रिएक्शन होगी, जो भी प्रोसेसेस होगी, वो उस डायरेक्शन में लीड करेगी जहां पे डिसऑर्डरनेस क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, रैंडमनेस क्या हो, इंक्रीज हो। तो हमेशा केमिकल रिएक्शन या फिर कोई भी प्रोसेस हमेशा उसी डायरेक्शन में लीड करेगी जहां पे रैंडमनेस इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकेंड अगर हम डेफिनेशन देखें, द स्टेट ऑफ एंट्रोपी ऑफ एंटायर यूनिवर्स एज एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज ओवर टाइम। यानी कि एंट्रोपी जो होगी यूनिवर्स की, ठीक है, वो क्या होगी अगर हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करें। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जहाँ पे ना एनर्जी और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। तो अगर हम यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करें तो उस केस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होगी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूल जो अरेंज थे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में, वो क्या होंगे, वो हमेशा डिसऑर्डर स्टेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे या डिसऑर्डर स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड ऐसा भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। और एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स दो चीजों का है, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो कभी कभार बच्चों ऐसा हो सकता है कि सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन उस टाइम पे सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होगी।
दैट मीन्स कि ओवरऑल एंट्रोपी हमेशा यूनिवर्स की क्या होगी, पॉजिटिव में ही होगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा दो स्टेटमेंट है जो बहुत ही वास्टली यूज की जाती है और इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी है वो दो स्टेटमेंट, दैट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज क्लॉजियस स्टेटमेंट। डेफिनेशन आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि यहाँ पे ऐसा बोला गया कि कोई भी सिस्टम, कोई कहीं से भी अगर हम एनर्जी ले रहे हैं, सपोज ये क्या है, ये हीट रिजर्वायर है। ठीक है, हीट रिजर्वायर है, तो ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट हीट जो है वो वर्क करने के लिए यूज की जाएगी। पूरी की पूरी हीट या फिर पूरी की पूरी एनर्जी काम करने के लिए यूज की जाएगी, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत एनर्जी जो है बच्चों, थोड़ी जो बहुत जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, दैट विल गेट वेस्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा कोई भी इंजन 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट थी कि भाई एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। वो यहाँ पे भी अप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि यहाँ से जो हीट मिली, यहाँ से जो एनर्जी मिली वो वर्क करने के लिए यूज हुई, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो वेस्ट भी हो जाती है, थोड़ी बहुत हीट जो है वो वेस्ट भी हो जाती है। और ये किसने एक्सप्लेन किया, ये हमारे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो सारी की सारी हीट या फिर सारी की सारी एनर्जी काम करने के लिए यूज नहीं होती, थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है, कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, तो ये थी हमारी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी क्लॉजियस स्टेटमेंट। उनके अकॉर्डिंग अगर हमें हीट को ट्रांसफर करना है कहाँ से, कोई कूलर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। हीट हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो ये जो है दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर करवाना होगा, ठीक है, लो से हाई टेम्परेचर की तरफ अगर हमें हीट को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, तो हमें बाहर से उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाहर से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने आप ही ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव नहीं करेगी। जैसे रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें, तो वहां पे हमें कुछ वर्क देना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, तभी क्या होगा, तभी वहां पे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है और खाना जो है वो ठंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें लो टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर से अगर हमें हाई टेम्परेचर की तरफ अगर हीट को ट्रांसफर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्स्ट्रा उसको उस पर काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। आई होप क्लियर हुआ होगा, स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी और जो भी हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। अगर सेशन पसंद आया बच्चों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।